नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इस क्रिकेट बुलेटिन में। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि क्या साउथ अफ्रीका का दौरा टीम इंडिया का रद्द होगा। दोस्तों उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन दोस्तों आप टीम इंडिया को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलकर भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका का दौरा करना है। टीम इंडिया ने इस दौरे की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इस बीच साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट यानी कोविड-19 न्यू वेरिएंट इन साउथ अफ्रीका से हड़कंप मचा हुआ है। साउथ अफ्रीका में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है, जिसे बेहद खतरनाक माना जा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि यह वेरिएंट इस देश में कोविड-19 की चौथी लहर ला सकता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से मीटिंग बुलाने को कहा है। इस वेरिएंट के सामने आने के बाद साउथ अफ्रीका की सरकार हाई अलर्ट पर है। देश में बाहर से आने वाले यात्रियों की सख्ती से जांच हो रही है। BCCI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट में कहा कि देखिए, जब तक हमें साउथ अफ्रीका अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड यानी CASA से वहां की स्थिति का पता नहीं चलता, तब तक हम अपने अगले कदम के बारे में नहीं बता पाएंगे। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार भारतीय टीम को मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का समाप्त होने के बाद 8 या 9 दिसंबर को रवाना होना है, और हेल्थ एक्सपर्ट कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर इस वायरस ने ऐसा ही रंग दिखाया तो यह एक बार फिर साउथ अफ्रीका को लॉकडाउन में धकेल सकता है। ऐसा हो सकता है कि फिर संभव है कि भारत सरकार अपने नागरिकों के साउथ अफ्रीका जाने पर पाबंदी लगा दे, या फिर अफ्रीकी सरकार विदेशियों के आगमन पर रोक लगा दे। अगर ऐसा होता है तो दिसंबर में होने वाला भारत का साउथ अफ्रीका दौरा भी टल सकता है। भारतीय टीम दिसंबर में यहां पूरा दौरा करने के मकसद से आएगी। अभी तक तय शेड्यूल के मुताबिक टीम इंडिया को यहां 3 टेस्ट 3 वनडे और 4 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। टीम इंडिया 17 दिसंबर को जोहानिसबर्ग में पहले टेस्ट के साथ इस दौरे का आगाज करेगी। इसके बाद सेंचुरियन में 26 से 30 दिसंबर दूसरा टेस्ट मैच, जबकि केप टाउन में 3 से 7 जनवरी तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसके बाद वनडे और T20 सीरीज का आगाज होगा। यह दौरा 26 जनवरी चौथे और आखिरी T20 मैच के साथ संपन्न होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा।